वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल शैलेंद्र। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ रक्षाबंधन पे इस तरह के व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो किस प्रकार बना सकते हैं और इस वीडियो को किसी भी सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम रील्स है, रोपोसो ऐप है और टिकटॉक की तरह बहुत सारे एप्लीकेशन इंडियन देखने को मिल जाते हैं। तो आप किसी भी सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं और अच्छे खासे लाइक्स एंड व्यूज ला सकते हैं वीडियो पे। तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको यहाँ पे कुछ फोटो की जरूरत होंगे और इसके बाद एक एप्लीकेशन काइन मास्टर और कुछ ग्रीन स्क्रीन की जरूरत होंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे चुका हूँ, वहाँ से बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूँगा आप इस तरह के स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फाइनली गाइस आ चुके हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनवेस्ट एप्लीकेशन का लिंक दे चुका हूँ, वहाँ से आप बिल्कुल आसानी से काइनवेस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है, ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं। प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट करना है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाना है। आप ये वीडियो देख सकते हैं कुछ, यदि आप चाह रहे यही इमेज रहने देने के लिए तो यही इमेज भी यूज कर सकते हैं, या फिर अपना इमेज यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, इसके बाद बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है और इस बैकग्राउंड को कुछ इस तरह से जूम कर लेना है और आपको देखना है कहाँ तक इसको एडजस्ट करना है। तो कुछ इस तरह से आपको जूम करने के बाद आपको ऊपर की तरफ आपको एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरह से, और देखो देखना है कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है क्रॉप पे और इसे आपको इनेबल करने के बाद कुछ इस तरह से आपको क्रॉप कर देना है। तो आपको देखना है कहाँ तक क्रॉप करना है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैं रहने देता हूँ, इसके बाद डन करते हैं। इसके बाद इस इमेज पे क्लिक करेंगे, सॉरी इस बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ आपको यहाँ पे आपको एडजस्ट कर देना है, नीचे जो टाइम लाइन जा रहा है उसके हिसाब से एडजस्ट कर देना है और इसे आपको फुल स्क्रीन में कर देना है। देख सकते हैं आपका वीडियो अब कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हो ऊपर की तरफ आपको लग रहा है जैसे कि कुछ सर दिख रहा है, नीचे की तरफ थोड़ा हल्का जूम कर लेंगे इसे और कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे और इसके बाद फिर से हमें क्रॉप पे आना होगा और फिर से हमें कुछ हल्का इस तरह से आपको फिर से क्रॉप आपको कर देना है। इसके बाद डन करते हैं। आप देख सकते हैं लगभग लग रहा है आपको सही से एडजस्ट हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो कुछ इस तरह से प्रेस करेंगे ऊपर की तरफ, अपने हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है। अब देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो पीएनजी में कन्वर्ट कर रखे इमेज को उस इमेज को सेलेक्ट करना है। तो मैंने ऑलरेडी पीएनजी में सेलेक्ट कर चुका हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ओल्ड वीडियो था, ओल्ड फोटो था सॉरी। तो इस फोटो को हमको कुछ इस तरह से एडजस्ट आपको करना है, तो अपने हिसाब से इसे हल्का छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। पीएनजी में इमेज को कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं वीडियो का लास्ट में बता दूंगा, बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ। इसके बाद डन करेंगे, इस इमेज पर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन में कर देना है। इस इमेज का आपको लाइट चेंज करना है, लाइटिंग वीटिंग वगैरह जैसे कि एडजस्ट करना है, सिंपल फोटो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कलर एडजस्टमेंट पे आना है और यहाँ से आपको कुछ इस तरह से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद या फिर सिंपल वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, सॉरी फोटो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कलर एडजस्टमेंट पे आना है, कलर फिल्टर पे आना है और यहाँ से आपको काफ़ी सारे कलर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से चाहे तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, यदि ब्लैक एंड व्हाइट रखते हैं तो काफ़ी बेहतरीन देखने में लगता है। तो फिलहाल मैं नॉर्मल रहने देता हूँ। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। रक्षाबंधन पीएनजी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एडजस्ट करना है कुछ इस तरह से। इसके बाद इस इमेज को आपको कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन में कर देना है। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, आपको सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इसे हम बैक कर लेते, पहले लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है और एक इमेज का वीडियो का लिंक मैं दे चुका हूँ, कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है और इसे आपको कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ आपको एडजस्ट कर लेना है। नीचे की तरफ आना है, ब्लेंडिंग पे आना है और यहाँ पे आपको इसे मल्टीप्ले कर देना है और इसे आपको फुल स्क्रीन में कर देना है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। अब वीडियो प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक और पीएनजी का लिंक दे चुका हूँ, भाई बहन का, सिंपल इसे सेलेक्ट करना है, कुछ इस तरह से जूम करना है और यहाँ पे आपको एडजस्ट करना है, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर से इस पर क्लिक करेंगे, इसे आपको फुल स्क्रीन पे कर देना है। जितने भी आप पीएनजी सेलेक्ट करेंगे उसे आपको फुल स्क्रीन पे कर देना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है।
इसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। मैंने चिकन ग्रेन स्किन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल सेलेक्ट करना है और इसे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है। और यहाँ पे आपको एडजस्ट कर लेना है जो आपको इमेज जो दिख रहा है दिल का, जो भाई बहन का, उस पर एडजस्ट करना है। नीचे की तरफ आना है, बिल्डिंग पे आना है और इसे भी फिर से आपको मल्टीप्लेस सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद इसे आपको फुल स्किन करना है और लास्ट पॉइंट को आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। अब इमेज देख सकते हैं, आपका इमेज कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, इसके बाद लेयर पे आना है, ओवरले पे आना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक इफेक्ट डाउनलोड करना होगा, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ हार्ट का। तो ये वाला जो हार्ट देख सकते हैं यहाँ, ये जो देख रहे हैं आप, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। गेट मोड पे आना है और यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, तो सिंपल इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसे हम सेलेक्ट कर लिया, ये जो देख सकते हैं इफेक्ट कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। इस इफेक्ट को आपको फुल स्क्रीन में कर देना है। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट में आना है, इस पर क्लिक करते हैं और इसे आप जहाँ पर भी एडजस्ट करना चाह रहे कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ और इसे आपको कुछ देखने में देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया हूँ। इसके बाद राइट क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, लेयर पे आना है, ओवरले पे आना है और यहाँ पे आपको लाइटिंग सेलेक्ट करना है। तो बहुत सारे लाइटिंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है। गेट मोड से जाने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड करके रख चुका हूँ। सिंपल यहाँ पे हम 7th वाले मैंने सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद इसे हम कुछ इस तरह से रोटेट कर देंगे और यहाँ पे आपको एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरह से। इसके बाद इस लाइटिंग को आपको मैं कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन में कर देता हूँ। अब देख सकते हैं वीडियो जब प्ले करूँगा तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। और अब आपका वीडियो जो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार भी हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सारे जो वीडियो है इस वीडियो को साउंड को म्यूट कर देना है। सिंपल जैसे कि बता देता हूँ, एग्जाम्पल एक वीडियो को मैं बता दे रहा हूँ, वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और आपको वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर साउंड को म्यूट कर देना है। और यहाँ पर जो भी आप साउंड ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप दो तरीके से साउंड ऐड कर सकते हैं। मैं फर्स्ट तरीका बता देता हूँ, यानी कि कुछ आपके पास कोई वीडियो है, उस वीडियो में से ऑडियो को आपको ऐड करना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, जो वीडियो आपके पास अवेलेबल है सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट करना है। एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ, कैंची के निशान पे क्लिक करूंगा, इस ट्रैक का ऑडियो करना है, वीडियो पे क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑडियो हमारा ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप चाहे तो साउंड ऐड कर सकते हैं, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद सेकेंड तरीका बताता हूँ, सिंपल ऑडियो पे क्लिक करना है, आपने जो ऑडियो डाउनलोड करके रख रखे हैं सिंपल क्लिक करेंगे, जो भी ऑडियो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं ऑडियो भी ऐड हो चुका है। तो दो तरीके से यहाँ पे साउंड भी ऐड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो में ऑलरेडी साउंड ऐड है, यदि ये साउंड पसंद है तो ये साउंड भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो अपने हिसाब से यूट्यूब से कोई भी साउंड ऐड, कोई भी साउंड डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद सेटिंग पे क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा, लास्ट का साउंड जो आपको स्लो हो जाता है वो स्लो नहीं होगा। इसके बाद एक्स्ट्रा साउंड को मैं ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। इसके बाद सिंपल आपको करना क्या है, शेयर पे क्लिक करेंगे, 1080p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है और वीडियो आपको पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना भाई। तो वीडियो पसंद है लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल साइलेंस चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।